हाय गाइस, मैं हूँ राजकुमार सिंह और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 11 इंग्लिश का पहला चैप्टर माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना दिया है। देखते हैं, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट। एज सून एज, जितना शीघ्र, पॉसिबल मतलब संभव हो सका, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद, जितना शीघ्र संभव हो सका, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर। प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया, बिफोर मतलब हो जाएगा यहाँ पे समझ, मतलब मैंने द हेड टीचर, मुख्य अध्यापिका के समक्ष अपने आप को उपस्थित किया। फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, एक कक्षा में प्रवेश लेने के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड ए बाथ एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, करें कि बहुत दिनों से, हैविंग बीन सो लॉन्ग, बहुत दिनों से बिना उचित भोजन किए हुए, स्नान किए हुए एंड कपड़े बदले हुए, यानी कि बहुत दिनों से मैंने ना तो उचित भोजन किया था, ना ही स्नान किया था और ना ही कपड़े बदले थे। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, अवश्य रूप से मैं उनके ऊपर एक फेवरेबल का मतलब हो जाएगा अनुकूल, इम्प्रेशन मतलब प्रभाव नहीं बना पाया। आई कुड सी एट वंस दैट, मतलब मैं तुरंत देख सकता था कि देयर वर डाउट्स इन हर माइंड, उनके मस्तिष्क में संदेह था अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मतलब मुझे एक छात्र के रूप में प्रवेश देने की बुद्धिमता के बारे में उनके मस्तिष्क में संदेह था। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, उस समय तक उन्होंने मुझे प्रवेश देने से मना नहीं किया। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही उन्होंने माई फेवर मतलब मेरे पक्ष में निर्णय किया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, लिंगर का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, कंटिन्यूड मतलब लगातार, अबाउट हर मतलब उनके आसपास, मैं लगातार उनके आसपास प्रतीक्षा करता रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, और हर प्रकार से मैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। आई कुड विथ माई वर्दीनेस, वर्दीनेस का मतलब योग्यता, मतलब मैं अपनी योग्यता से उनको हर तरह से प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। इन द मीन टाइम, मध्यकाल के दौरान, यानी कि जब दोपहर की छुट्टी होती है, कराया कि दोपहर की छुट्टी के दौरान, आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि वह अन्य बच्चों का प्रवेश कर रही हैं, एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माय डिस्कम्फर्ट, और इससे मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई। I felt deep down in my heart. I felt मतलब मैं महसूस किया, deep down in my heart मतलब मुझे अपने मन में गहरी वेदना महसूस हुई, that I could do as well as they, कि I could do मैं भी कर सकता था as well as they, जैसा कि अन्य बच्चे कर सकते हैं, if I could only get a chance, यदि केवल मुझे एक मौका मिल जाता, to show what was in me, यह दिखाने के लिए कि मेरे अंदर क्या है, यानी कि मेरी जो क्वालिटी है, मेरी योग्यता है, उसको दिखाने का अगर मौका मिल जाता। आगे दिया, after some hours had passed, कुछ घंटे बीत गए, द हेड टीचर सेड टू मी, मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, एडजॉइनिंग मतलब सटा हुआ या बगल का या पास का, रेसिटेशन का मतलब होता है संगीत के कमरे को रेसिटेशन रूम बोलते हैं, नीड्स स्वीपिंग,
मतलब सटे हुए या बगल के संगीत के कमरे को सफाई की जरूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू, ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू ले लो और उसे साफ कर दो। इट अकर्ड टू मी, यहां पे लगा है इट अकर्ड टू मी एट वंस, मतलब तुरंत मुझे ऐसा लगा दैट हियर वॉज माई चांस, कि यहां पे मुझे मौका है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, मतलब मैंने कभी भी किसी आदेश को रिसीव मतलब स्वीकार नहीं किया था विथ मोर डिलाइट, मतलब इतनी प्रसन्नता के साथ, इतनी खुशी के साथ मैंने कभी किसी आज्ञा का पालन नहीं किया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times, करे कि मैंने उस संगीत के कमरे की 3 बार सफाई की। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, उसके बाद में मैं एक डस्टिंग क्लॉथ, धूल साफ करने का कपड़ा लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 times, और मैं 4 बार उस कमरे की सफाई किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, दीवार के आसपास के जितने वुड वर्क लकड़ी से बने हुए सामान थे, कुर्सी मेज, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क, मतलब प्रत्येक बेंच को, टेबल को और डेस्क को, आई वेंट ओवर 4 times विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, मतलब अपने उस धूल साफ करने वाले कपड़े से मैं सबके पास 4 बार गया, यानी कि 4 बार मैंने सबकी सफाई की। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, यानी कि प्रत्येक फर्नीचर को हैड बीन मूव्ड, मैंने अपनी उसकी जगह से हटाया। एंड एवरी क्लोजेट, और प्रत्येक अलमारी, क्लोजेट होता है जो दीवार में बनी अलमारी होती है उसको क्लोजेट बोलते हैं। एंड कॉर्नर, और कोने को, इन द रूम मतलब कमरे में जो कोने थे, हैड बीन थारोली क्लीन्ड, पूरी तरह से मैंने उसको साफ किया। आई हैड द फीलिंग दैट इन ए लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग, यहाँ की आई हैड द फीलिंग, मुझे ऐसा लगा दैट इन ए लार्ज मेजर, बहुत बड़ी मात्रा में, माई फ्यूचर डिपेंडेंट अपॉन द इम्प्रेशन, मतलब मेरा जो भविष्य था वो निर्भर करता था उस प्रभाव पर। आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं उस अध्यापिका के ऊपर बना सकता था, इन द क्लीनिंग, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई करके। व्हेन आई वॉज थ्रो, मतलब जब मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, यानी सब कुछ करने के बाद, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैं मुख्य अध्यापिका को रिपोर्टेड मतलब सूचना दिया। सी वॉज अ यंकी वुमेन, यंकी जो यूएसए यानी कि अमेरिका के जो उत्तरी राज्य में रहते हैं उनको यंकी बोलते हैं, तो वह एक यंकी औरत थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, उन्हें पता था कि धूल कहाँ मिल सकती है। सी वेंट इन टू द रूम, वह कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स, और उसने फर्श और दीवार की अलमारियों का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टेड मतलब होता है निरीक्षण करना। देन सी टुक हर हैंडकरचीफ, तब उन्होंने अपना रुमाल लिया। एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और उससे लकड़ी से बने हुए सामान पर रगड़ी। अबाउट द वॉल्स, जो दीवार के आसपास थे। एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, और टेबल और बेंच पर। व्हेन सी वॉज अनेबल टू फाइंड वन बीट ऑफ डर्ट, यानी कि जब वह फर्श या फर्नीचर पर धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ रही, और ए पर्टिकुलर
पार्टिकल ऑफ डस्ट, यानी कि धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ रही ऑफ एनी ऑफ द फर्नीचर, मतलब किसी भी फर्नीचर पर। सी क्वाइटली रिमार्क, उन्होंने शांत भाव से यानी कि शांति से या धीरे से टिप्पणी किया, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, कि मुझे लगता है कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के लायक हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। सोल्स का मतलब होता है आदमी, सोल मतलब आत्मा, लेकिन जहां पे सोल्स हो जाएगा, सोल्स का मतलब कि आदमी, मतलब मैं धरती पर सबसे प्रसन्न आत्मा में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस कमरे की सफाई करना ही मेरे कॉलेज की परीक्षा के समान था। करके आई हैव पास सिवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से मैंने अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण की, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ड, लेकिन मुझे हमेशा महसूस की या मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ दैट कि दिस वॉज द बेस्ट वन आई इवर पास्ट, कि यह परीक्षा उन सब परीक्षाओं में सबसे उत्तम थी जिससे मैंने कभी उत्तीर्ण किया।